पुनासा जनपद के ग्राम बिजोरा माफी में 5 साल में राशि डबल करने वाले डॉक्टर की एसडीएम ऑफिस पहुंच लोगों ने शिकायत की। चिट फंड के तहत कार्रवाई कर डॉक्टर को नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि बिजोरा माफी पुनर्वास में डॉक्टर राजेंद्र मंडलोई ने 7 साल पहले मछुआरों को कंपनी में राशि डबल करने का झांसा देकर 20 मछुआरों से 20 लाख की राशि वसूल की थी और अब देने में आनाकानी कर रहा है। इसकी शिकायत को लेकर मछुआरे एसडीएम कार्यालय पुनासा पहुंचे और एसडीएम को बताया कि डॉक्टर हमारे घर आया था और बोला था कंपनी पेमेंट नहीं देगी तो मैं भुगतान करूंगा। पहले भी उसके खिलाफ एसपी कार्यालय कलेक्टर में भी आवेदन दे चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। डॉक्टर अपनी ऊंची पहुंच के कारण बच जाता है। एसडीएम पुनासा सीएस सोलंकी ने एसडीओपी पुनासा को फोन लगाया और मुख्यमंत्री गृह मंत्री कलेक्टर के आदेश के अनुसार चिट फंड के मामले के तहत कार्रवाई करने की बात कही और डॉक्टर को नोटिस भेजकर एसडीएम ऑफिस बुलाने के निर्देश दिए हैं। मुंडी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। एसडीएम साहब को हमने आवेदन दिया है चिट फंड मामले के तहत, तो उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि इसके तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हम आवेदन देने के लिए एसडीएम कार्यालय आए थे। हाँ बताइए। ग्राम कुरणी के पुनर्वास के कुछ लोग आए, इनका कहना है कि राजन मंडलोई नामक व्यक्ति द्वारा इनसे पैसे लिए थे कि हमारे पैसे वो 5 साल में डबल हो जाएंगे। ऐसे कुल 17 लोग हैं, उनसे करीब 20 लाख रुपए लिए थे। वो अभी जब पता चला कि पैसे वापस नहीं कर रहे तो इन्होंने काफ़ी दिनों से ये लोग शिकायत कर रहे हैं। आज मेरे पास आए, मैंने चिट फंड के तहत कार्रवाई करने के निर्देश एसडीओपी पुनासा को दिए तथा मेरी ओर से भी संबंधित को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।